तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के किंग। यस, इंडियन मार्केट के किंग ने यहाँ पर इंडियन मार्केट में ही वो जोर कहाँ पर करेगा। सीरियसली, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ने, यस, जहाँ पर आपने सुना तो होगा ही, क्या इसका नाम नहीं जहाँ पर आपको सुना, आपको यहाँ पर डिटेल से प्रोवाइड करने वाला हूँ कैसे सिस्टम उन्होंने, कब तक ये आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है 2023 के अंदर। तो सब कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि स्पेशन के कंप्लीट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल पर प्रेस करें। एंड बिना कोई देरी के भी यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको 6.89 इंच का आपको यहाँ पर QHD प्लस, यहाँ पर आपको 10-bit सैमसंग E6 LTPO 4.0 डिस्प्ले देखने मिलेगा, जो कि न्यू है एंड न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग है 2023 में आने वाले स्मार्टफोन में फ्लैक्सी स्मार्टफोन में यूज होने वाला मोस्ट पॉपुलर डिस्प्ले माना जाता है, जो कि चारों एंगल से कवर्ड होगा। यस, ऊपर से कवर्ड होगा, नीचे से कवर्ड होगा, साइड से कवर्ड होगा। अब तक आपने जो स्मार्टफोन देखे थे वो साइड से कवर्ड देखने लिए मिलते थे, जैसे वीवो X80 सीरीज में मान लो, वीवो X80 सीरीज एंड जो OnePlus 10 सीरीज, एंड इन पर तो हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, उनको आप चैनल से कवर कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर आपको सिंपली ये टक्कर क्यों ना देगा, यहाँ पर आपको आईफोन 14 प्रो प्लस को वहाँ पर आपको ना तो कवर डिस्प्ले देखने मिलेगा, ना उसमें गुड लुकिंग डिजाइन देखने मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में देखने मिलेगा। तो 100% ये टक्कर देखने देगा यहाँ पर आपको आईफोन 14 सीरीज के चारों इस जो आईफोन को। तो यहाँ पर 144Hz का जो रिफ्रेश रेट एंड यहाँ पर आपको 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1200Hz का इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। तो गेमिंग करने वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा। एंड यहाँ पर आपको 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एंड विजिबिलिटी से आपकी स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यस, एंड उसी के साथ गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको इसमें H10+ मॉडर्न स्मार्ट वो तो ऑब्वियसली देखने मिलेंगे। यस, वहाँ पर आपको कोई भी शिक्रेक नहीं होगा। गाइस बात करते हैं यहाँ पर बिल्ड एंड डिज़ाइन की, तो गाइस काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने मिलेगा एंड यहाँ पर आपको कुछ यूनिक डिज़ाइन में देखने मिलेगा S23 अल्ट्रा का रियर पैनल पर डिज़ाइन, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने मिलेगी सैमसंग की। एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 7 का, जो कि यहाँ पर आपको इसका यानी एक बिग पॉइंट होने वाला है, यानी काफ़ी बड़ा पॉइंट होने वाला है, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 7 का प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको फ्रंट पर देखने मिलेगा एंड यहाँ पर आपको रियर पर विक्टस देखने मिलेगा, फ्रेम एल्यूमिनियम की देखने मिलेगी। एंड इसका डिज़ाइन आप जब रियर से देखोगे, पीछे से देखोगे, तो काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने मिलेगा एंड डिफरेंट कलर ऑप्शन तो मिलेगा ही। यस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको बैक पर यहाँ पर आपको कुछ यूनिक डिज़ाइन में इसका कैमरा डिज़ाइन देखने मिलेगा, जहाँ पर आपको चारों कैमरा को थोड़ा थोड़ा यानी दूर दूर किया जाएगा। उसके साथ LED फ्लैश का सपोर्ट रियर पर वो बेस्ट देखने मिलेगा। एंड बैक पर यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग, जो कि यहाँ पर आपको नीचे की साइड हर स्मार्टफोन देखने मिलती है ना, सैमसंग M सीरीज और S20 सीरीज उसमें मान लो, उसी तरह यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। यस, एंड ये कलर ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ब्लैक, रेड, ब्लू, वाइट एंड यहाँ पर आपको ग्रे, सिल्वर एंड लेदर वेरिएंट भी यहाँ पर आपको देखने लिए मिल सकते हैं। उसके बारे में मुझे यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर आपको वो भी देखने लिए मिल जाएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G में कौन सा चिपसेट यूज़ होगा। यस, 2023 के अंदर मोस्ट पॉपुलर चिपसेट यूज़ होगा, जो कि सैमसंग का खुद का ही है। यस, खेती बाड़ी अपनी, तो इसमें काम भी कौन करेगा, हम ही करेंगे। यस, तो यहाँ पर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो सैमसंग अपना ही यहाँ पर आपको चिपसेट यूज करेगा, जहाँ पर आपको सैमसंग एक्जिनो 2200 वाला 3nm GAA फैब्रिकेशन प्रोसेस पर अपना ओक्टा कोर का 5G प्रोसेसर देखने लिए मिलेगा, लेटेस्ट ARM GPU एंड AMD न्यू रेडियोन GPU देखने लिए मिलेगा। यस, GPU CPU दोनों लेटेस्ट देखने लिए मिलेंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी रीड एंड राइटिंग की स्पीड काफ़ी फास्ट देखने मिलेगी। उसके लिए LPDDR5 RAM टाइप, UFS जो 4.0, यस, LPDDR5X एंड UFS 4.0 का स्टोरेज देखने मिलेगा, जो कि रीड एंड राइटिंग स्पीड को इस स्मार्टफोन पे आपकी काफ़ी यानी बूस्ट करेगा एंड काफ़ी इम्प्रूव करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 देखने मिलेगा, बिकॉज 2023 में एंड्रॉयड 12 का ज़माना नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 देखने मिलेगा। उसके साथ परफॉर्मेंस टॉप नोट देखने मिलेगी, किसी भी हार्ड गेमिंग के दौरान, किसी भी हार्ड वीडियो रेंडरिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ एंड नेक्स्ट लेवल का होगा।
बात करते हैं कैमरा की। कैमरा के अंडर गाइस यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा। यस 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, जहाँ पर आपको ISO सेल HP3 सेंसर देखने मिलेगा प्राइमरी कैमरे में या 200K कैमरा में। रियर से 4K नहीं 4K 30fps 60fps 8K 30fps 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। यस एंड यहाँ पर आपको 8K के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो 8K 30fps 60fps एंड उन पर तो ऑलरेडी डिटेल लोड बना रखा है, बट आप इसी स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हो 2023 में। अगर आपको एक फ्लैक्सी स्मार्टफोन चाहिए, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। बटन पर यहाँ पर आपको 32 MP स्नैपर देखने मिलेगा अंडर जो यानी डिस्प्ले के पीछे देखने मिलेगा। यस उसको मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि वो डिस्प्ले के पीछे देखने मिलेगा। यस उसको बोलते हैं अंडर डिस्प्ले। समझ रहे हो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के अंडर यहाँ पर आपको 32 MP स्नैपर देखने मिलेगा, जो कि पॉपअप एयर वाले आपको जो कैमरा आते थे ना उनका कैमरा ऊपर हो जाता था उसकी तरह यहाँ पर आपको पूरा डिस्प्ले देखने मिलता है। उसकी तरह यहाँ पर आपको इसमें भी पूरा डिस्प्ले देखने मिलेगा, बट यहाँ पर आपको कैमरा डिस्प्ले के पीछे हो जाएगा। यस ऑल कैमरा फिल्टर का स्कोर देखने मिलेगा एंड स्लो मोशन नाइट बुके सिंगल टेक सब ऑप्शन देखने मिलेंगे। यस ऑल राउंडर स्मार्टफोन एंड एक फ्लेक्सी कैमरा स्मार्टफोन होगा जो सैमसंग की तरफ। बैटरी की बात करें तो गाइस 4500 mAh की बैटरी 120W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, 80W के वायरलेस चार्जिंग। बैटरी डिपार्टमेंट काफ़ी बेस्ट है बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादा हैवी हो जाता 5000 mAh की बैटरी दे देता तो सैमसंग एंड 120W की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अदर सेंसर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको अल्ट्रा लार्ज अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक एंड ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, जहाँ पर आपको कलर ट्यूनिंग की जाएगी हारमन कार्बन की तरफ से। तो ओवरऑल उनका बेस आएगा ना जो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का वो काफ़ी यानी एक मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल बेस आपको प्रोवाइड करेंगे। नो SD कार्ड का स्लॉट, ओनली 2 सिम कार्ड लगा पाओगे एक साथ। लेटेस्ट 3D अल्ट्रा कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा एंड गेमिंग टर्बो मोड एक्स लीनियर वाइब्रेटिंग मोटर। बात करते हैं यहाँ पर आपको वेरिएंट की, चाइना वाले वेरिएंट में आपको बता रहा हूँ 12GB 256GB एंड यहाँ पर आपको 14GB 1TB यस एंड यहाँ पर आपको एक 2TB वाला वेरिएंट भी देखने मिलेगा। बिकॉज यानी एनी स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो स्टोरेज की हो रही है, बिकॉज यहाँ पर आपको कैमरा का साइज इसमें बड़ा देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 2TB का भी वेरिएंट देखने मिलेगा। सो गाइस आई होप कि मैंने यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G के सारे डाउट आपके क्लियर किए होंगे। इसके अलावा अगर आपका और भी क्वेश्चन है और भी क्वेरी है तो हमें यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आप प्रोवाइड कर दी होंगी। तो गाइस आप यहाँ पर इसी स्मार्टफोन को लेकर वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये अपना ओपिनियन जरूर करना। ऐसी सैमसंग गैलेक्सी S23 की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बोलो तो प्रेस एंड लाइक जरूर से करें, जहाँ पर मैं आपको इसके कन्फर्म यस 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बोलो तो प्रेस एंड लाइक जरूर से करें। सो मैं बताऊँ तब तक लगेगा।